କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖୋଲିଲେ ରାଧିକା କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ଖଡ୍ଗେଜୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ରାମଲଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଧିକା। ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସମୟ ମାଗିଲି କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦେଲେନି ରାହୁଲ। ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୋତେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଗଲା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ରାମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାମଲଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ରାଧିକା। पीढ़ियों से हम इंतजार कर रहे थे कि कब राम मंदिर मिलेगा, कब राम लल्ला के दर्शन करने जाएंगे। और वो पार्टी जिसकी शुरुआत हर सभा की रघुपति राघव राजा राम से होती थी, मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकती थी कि वो राम जी की इतनी दुश्मन निकलेगी और उनको इतना कष्ट होगा कि कोई राम लल्ला की उपासना करेगा तो, और उसका ऐसी सजा मुझे मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं सोच के कि जब मुझे उस कमरे में बंद किया गया, और प्रियंका गांधी जी की चुप्पी आज तक मुझे तकलीफ दे रही है, राहुल गांधी जी की चुप्पी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चुप्पी। धर्म विषय कहवा कौन पार्टी विचारधारा संविधान अधिकार दे मंदिर को जी दर्शन करी संविधान को बचाई कथा कहता दल संविधान सम्मान करूनी देश न्याय मिले अपेक्षा कर संविधान विरोधी लोक संरक्षण विरोधी लोक मत चुप करे न्यायपाई लड़े कर राधिका। क्या अपने धर्म के बारे में बोलना या अपने किसी आराध्य की पूजा करना कोई पार्टी की विचारधारा है? मेरा संविधान मुझे ये हक देता है कि मैं किसी भी धर्म को फॉलो करूं, कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी पूजा करूं, तो इसमें कहीं पार्टी कहां से आ जाती है। लेकिन जब एक पार्टी इस बात का विरोध करने लग जाए जो स्वयं को सेक्युलर पार्टी बताती है, जो स्वयं को संविधान का रक्षक बताती है, और वही संविधान के खिलाफ करने का काम करे, अपने आप को बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पार्टी बताती है और खुद ही संविधान के खिलाफ काम कर रही है। राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता और वो भी महिला प्रवक्ता और वो भी कांग्रेस भवन में इस तरह से अपन अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। और ये नारी न्याय की लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फरक रहता है। राम मंदिर जाए रामलला को दर्शन करने कारण राधिका खाड़े को दल भितर विरोध सम्मुखीन होगा पड़ता अभियोग अनुसार पार्टी कार्यालय एक रूम भितर बंद कर रखा जाता सहित पार्टी कार्यकर्ता जुक्तितर्क होगा सहित पार्टितुंड होता जो कथा को से राहुल पाखे पहुंचेबा उद्यम करते संभव हो नाला और से दल इस्तफा देते। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। मोबाइल फोन ओ संगसाथी आपण को पिलाटीर पाठपडा ओ करियर को प्रभावित करूची की आपण सेति पे विवृत की तेबे आज ही असंतु आपण चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठबाटना भुवनेश्वर। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।